बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह एड मिलीबैंड ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान दो रियासती मंसूबे के तहत अमन कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने बात लंदन में तकरीब से खिताब में कही। जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ डार की रिपोर्ट। मुस्लिम फ्रंट ऑफ लेबर के शरीक चेयरमैन फैज रसूल और खालिद महमूद एमपी की जानब से मनकदा एक ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर एड मिलीबैंड ने कहा कि गजा में रॉकेट हमलों के दौरान बच्चों की बड़ी पैमाने में शहादतें हुई हैं, ये सूरत हाल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। By some estimates, one in four of them children, and in the past few days, two UN schools bombed, killing many Palestinian children simply taking shelter from the bombardment. Friends, that is why I have said very clearly that the Israeli incursion into Gaza is both wrong and unjustifiable. एड मिलीबैंड का कहना था कि मुसलमान बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो समझते हैं कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है जिसमें चैरिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। I think one of the British Muslims community's most extraordinary attributes is your passion for helping people across the globe. When looking at aid, we see extraordinary amounts of relief from Britain going to countries from Syria to Iraq to Gaza. इस मौके पर शैडो जस्ट सेक्रेटरी सादिक खान एमपी, खालिद महमूद एमपी, शबाना महमूद एमपी, कीथ वाज एमपी और मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर की पैटर्न डॉक्टर हमेरा रसूल ने भी खिताब किया। तकरीब में लंदन के अलावा बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आने वाली कम्युनिटी शख्सियात, अरकान पार्लियामेंट, कौंसलरों और सफारतकारों समेत 1000 के करीब अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ आसिफ डार, जियो न्यूज़ लंदन। थैंक यू।